समझ रहे हो ना। तो इस अध्याय को हमने 6 लेक्चर में डिवाइड किया और पहला लेक्चर हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है जरा ध्यान से देखो स्क्रीन पे, सभी देख रहे हो कि नहीं, कुछ दिख रहा है समझ में आने वाला? लिखा है ना पहला दूरी और विस्थापन, दूसरा लिखा है एवरेज वेग और एवरेज वेलोसिटी, लिखा है ना औसत वेग और औसत चाल, लिखा है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, औसत वेग और औसत चाल, त्वरण तथा न्यूमेरिकल तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, दूरी का वेग, दूरी और वेग का ग्राफ, एक्सेलरेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल जो है आपका वो कब होगा, तीसरे में होगा, और डिस्टेंस एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये चौथे लेक्चर में होगा, गति के समीकरण आप पांचवें लेक्चर में पढ़ोगे, और छठवें और लास्ट लेक्चर में आप पढ़ोगे ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। इस तरह से आपका अध्याय जो 8वां है ये खत्म हो जाएगा। अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, सही है ना बच्चों? बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं जो कि मैंने देख पा रहा हूँ, कमेंट के लिए काफी परेशान है, उनमें सूरज यादव, ममता देवी, सुमन देवी पिपरा, कार्तिक प्रजापति, विपिन, नाव्या, अजय, सत्यम, कोलेवुड, विशाल, नीरज, पंकज, प्रियंका सिंह, अमित दुबे, सोनू प्रजापति, विकास तिवारी और मोनिका सिंह, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, विनय कुमार, मनोज यादव, शिवम विश्वकर्मा, माया कुमारी, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो प्यारे प्यारे बच्चों, जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि वो कमेंट कर पाएं, क्योंकि हमारे यहाँ बिना चैनल सब्सक्राइब के कमेंट की सुविधा नहीं होती है, मतलब आप लाइव चैट नहीं कर सकते। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब किए हैं कमेंट भी कर पा रहे हैं वो तो बहुत महान आत्मा है, हा? वो क्या करें, वो इस क्लास को लाइक करें। अच्छा ये बताओ, आपने सड़क देखा है, सड़क पे कार देखा है, बस, ट्रैक्टर, टैक्सी, साइकिल, ठेला, कुछ देखा है? देखा है ना? तो आपने एक चीज ये नोट किया होगा कि कभी कभी ये सब बड़ा तेज भागते हैं, हा? और कभी कभी ये बहुत धीमे धीमे चलते हैं, पता है तुम्हें कि नहीं? या फिर आपने कभी यात्रा किया होगा बस में या कार में या टैक्सी में, तो देखो वो एक निश्चित चाल से नहीं चलती है। उसका कारण होता है कि रोड पर मान लो कोई जानवर आ गया, कोई इंसान आ गया, या फिर ब्रेकर आ गया, तो चाल जो है क्या करना पड़ता है, कम या ज्यादा करना पड़ता है। ज्यादा मतलब तब करते हैं इंसान, वैसे तो हर कोई चाहता है कि हम ज्यादा ही चले, हवा में उड़े, लेकिन मुसीबत है कि रास्ते में कोई अगर तीसरी वस्तु आ गई गाड़ी और उनके अलावा तो खतरा हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक निश्चित टाइम में, मतलब एक निश्चित दूरी तय करता वो आदमी गाड़ी वाला ना, तो इसमें अगर आपको औसत चाल निकालना हुआ, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल छोटा सा सुनो बस, समझो, ये लेक्चर समझने वाला है, यहाँ हम छपाएंगे नहीं कि तुम छाप लो, इसका नोट्स पीबीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, अच्छे ढंग से मिलेगा, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है और माफी चाहते हैं, बहुत बड़े लापरवाह इंसान है, थोड़ा लेट, क्या ज्यादा लेट हो रहा है, लेकिन बन रहा है। तो नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना, केवल समझ के चलो बस। तो हमें क्या निकालना है, औसत चाल। तो एक एग्जाम्पल सुनो, इधर साइड पीछे देखो और सुनो तब ज्यादा अच्छा रहेगा, दिख तो रहा है ना इसमें भैया, किसी को कोई परेशानी? मैं ये इमेज हटा देता हूँ स्क्रीन से, तब फोटो को स्क्रीन से हटा देता हूँ, तब समझने की कोशिश करो। अब मान लेते हैं कि टोटल जो दूरी है वो कितना है, 10 किलोमीटर है, टोटल दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है, इसमें से मोहित 5 किलोमीटर नहीं, इसको 4 ही कर लो, अलग अलग रहेगा, और 6 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर तो भैया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है,
50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, कितना 4 किलोमीटर, और कितना टाइम लेता है, मान लेते हैं इसमें चलो हम 1 घंटा लेता है, एक एग्जांपल लिए हैं समझना। और फिर वो क्या कर रहा है, जो बाजकी के 6 किलोमीटर है इसमें रेंगने लगता है, मतलब 6 किलोमीटर की दूरी, भाई 4 किलोमीटर की दूरी 50 में जा रहा है, 6 किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है, और इसमें चचा 3 घंटा का टाइम लेते हैं, तो इनकी जो औसत चाल है वो क्या है, आज हमें यही पढ़ना है। कोई बता पाएगा क्या, बताइए लकी, बताओ आप ही बताओ, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं बताऊंगा अभी लेकिन समझोगे तब। आज आपको पढ़ना है औसत चाल और औसत वेग क्या होता है, अभी मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा समझ में आएगा, पहले एक न्यूमेरिकल देखोगे तो बुद्धि खुलेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी, ये क्या है, इसका नाम मोहित मान लो जो जा रहा है भैया, हाँ या अपने नाम रख लो हीना मीना, वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मान लो अपने स्कूल जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा अमीर आदमी है, बाइक से जा रहा है, हाँ तो 10 किलोमीटर में 4 किलोमीटर वो 50 की स्पीड से गया जिसमें 1 घंटा लगा, अब लेकिन स्कूल के नज़दीक पहुंचने लगा तो वहां पे वो सोचा हो सकता है गुरुजी मिल जाए, कहीं कब उड़ रहा था रास्ता में, 2-3 पड़ाका मार दें, इसलिए थोड़ा धीमे धीमे जाने लगा, फिर धीमे धीमे मतलब 40 की स्पीड कर लिया और 3 घंटा लगा, तो 3 घंटा ये लगा 1 घंटा ये लगा, टोटल उसे 4 घंटा लगा 10 किलोमीटर जाने में। अब ये मत कहना कि गुरुजी 50 किलोमीटर के घंटे की स्पीड पे जा रहा है तो 4 किलोमीटर में 1 घंटा कैसे लग गया, हाँ कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप औसत चाल कैसे निकालोगे, औसत चाल कैसे निकालोगे, कोई बताए जल्दी बताइए, कोशिश करिए सभी बच्चे फटाफट। यहाँ पर आपको ये नहीं लेना है कि अगर 50 किलोमीटर घंटा की स्पीड से जाएगा तो 4 किलोमीटर, भाई ये तो मिनटों में हो जाएगा, 1 घंटा नहीं लगेगा, लेकिन आपको एग्जांपल दिया हूँ, बताओ चलो। हाँ तो जो बच्चे एनसीईआरटी किताब लिए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ पेज नंबर, बेटा पेज नंबर है ये 111 और 112-113 इसी पर है सब पे मिला करके, हाँ ठीक है समझ रहे हो ना। चलिए बताइए फटाफट बताइए, कोई बताएगा, एनीवन कोई बताएगा फटाफट बताओ। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या निकालना, हमें औसत चाल निकालनी है, क्या निकालना बच्चा, औसत चाल इधर मैं लिख सकता हूँ ना, तो रहा है इधर भी दिख रहा है लेकिन बीचों बीच पे लिख के गलत किया, चलो औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालने के लिए बच्चा जो टोटल दूरी तय की गई है, तय की गई कुल दूरी को हम जोड़ लेते हैं, तो भैया 4 किलोमीटर ये तय किया था, 6 किलोमीटर ये तय किया था, कुल दूरी कितना है 10 किलोमीटर, इसका सूत्र होता है कुल दूरी बटा लगा कुल समय, बताओ याद रहेगा ना, ये औसत चाल निकालने के लिए सूत्र याद रखना, फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस ये चचा 10 किलोमीटर तय किए हैं, 10 किलोमीटर और टोटल टाइम इन्होंने 4 घंटा लिया है, कितना लिया है 4 घंटा का टाइम लिया है, मतलब ये जूं जैसे रेंगते गए, समझ रहे हो ना, तो कितना आएगा करके देखो फटाफट, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी ये कहानी, मैंने एक एग्जांपल छोटा सा दिया, वैसे ये कितना अच्छा था कितना खराब था ये मुझे नहीं पता है, और ये एग्जांपल ऐसे आपको मिलेगा भी नहीं जैसे मैंने दिया था, टोटल दूरी नहीं बताई जाती है उसको जोड़ा जाता है, जो मैंने दिया था ना जोड़ करके पहले से, तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस पहले से एड नहीं रहता है, इनको हल तो कर ही लोगे तुम,
इतने तो बड़े खिलाड़ी हो ही, 10/4, ये 2×5 = 10, 2×2 = 4 = 2.5 किलोमीटर/घंटा, ये क्या आ गया औसत चाल, कितना हो गया औसत चाल, एवरेज जो आया वो 2.5 का आया, सही है कि गलत है भाई, कैसे क्या लग रहा है आपको। एक दूसरा एग्जांपल देखो, तरीका यही है, दूसरा एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल थोड़ा सा अलग था, मतलब आपके लिए कुछ कम सुटेबल था। आप लोग अपनी किताब में देखो, जो लोग एनसीईआरटी बुक लिए हैं पहले ये कमेंट करके मुझे बताओ बच्चा, क्या आपके पास एनसीईआरटी किताब है, सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपके पास एनसीईआरटी साइंस है कि नहीं है, कोई भी साइंस हो, आप गति वाला चैप्टर ओपन कर लो, है ना भैया कि नहीं है, बता देना अगर नहीं होगा तो। किताब है ना आपके पास साइंस की, बेटा जिनके पास भी साइंस है किताब, सभी लोग यस या नो बोलो, कुछ ना कुछ बोलो, नहीं पटक देंगे उठा के, जान आप बैठे हो, कुछ तो सो रहा है, उंघा रहा है, अभी सुबह सुबह उठना पड़ गया, घर यारा मने मन, यार यू मास्टर हो बड़ा खराब है, सुबह सुबह पढ़ाने लगता है, सोने ना दिया। हाँ तो पेज नंबर 111 111 पेज नंबर खोल लो, उसमें एक एग्जांपल दिया बच्चा, एग्जांपल मतलब उदाहरण 8.1, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनो कान खोल के, नहीं तो कान के नीचे लगेगा ना सुनोगे तो, हाँ मतलब मजाक कर रहे हैं, ऑनलाइन हो तुम्हारा मोबाइल भाग गया होगा, चलो ऑफलाइन होते तो होता है ऐसा, सुनो इधर, एक वस्तु 16 किलोमीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, क्वेश्चन सुनना बच्चा, क्या कह रहा है, एक वस्तु 16 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 16 मीटर क्या है, 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, 16 मीटर अब 2 सेकंड में तय कर ली, थोड़ा और ज्यादा स्पीड बढ़ गई, तो कह रहा कि उसकी औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, बताइए एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड, अभी मैंने फार्मूला बताया चचा, औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी और कुल समय आपस में डिवाइड करते हैं, कुछ लोगों को ये दोनों एकदम दिख रहा होगा, जो बाद में जुड़ेंगे उन्हें ऐसा ही महसूस होगा, भाई सभी को गुड मॉर्निंग चचा, लोग जो अभी अभी सो के आए ना उनको भी गुड मॉर्निंग, बच्चा पढ़ वढ़ लो सुबेरे, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, जल्दी उठने का तरीका है शाम को जल्दी सो जाया करो, और जल्दी सो जाने के लिए दिन में थोड़ा शारीरिक मेहनत किया करो, तब जल्दी सो जाओगे, नहीं तो लेटने पर नींद नहीं आएगी, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम भारत में ना युवाओं को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, सारी कंपनियां जानती हैं कि भारत के युवाओं के पास टाइम बहुत है, इन्हें बर्बाद करो, देखो यूट्यूब, ये भी यूट्यूब शॉर्ट ले आया, यूट्यूब शॉर्ट मतलब जानते हो जिसमें छोटी छोटी क्लिप ऐसे स्लाइड कर करके तुम देखते हो, इसको भी पता है कि इनके पास टाइम है, इनका मतलब शोषण करो, तो कुल दूरी कितना तय किया है 16 मीटर और ये 16 मीटर, तो 16 मीटर धन 16 मीटर कुल समय कितना लगा है भाई, 4 सेकंड धन 2 सेकंड, 6 सेकंड का टाइम लगा है, तो जोड़ लो ये 32/6, आप इसे कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, आकाश कुमार जल्दी करो फटाफट बताओ कितना आएगा, देखो बेटा इनको हल कर लो, अब इनको हल करना तुम्हें आता ही होगा, 5.33 मीटर पर सेकंड आएगा, हाँ याद रहे मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है गुड गर्ल, अरे नाम से तो तुम गुड लग रही हो लेकिन मुझे गुड नहीं लग रही हो, क्योंकि तुम्हारा जो कमेंट है ना वो बिल्कुल गुड नहीं है, नाम तुमने रखा गुड गर्ल, नाम नयन सुख आंख से अंधा, वही हाल है तुम्हारी,
मीटर पर सेकंड। देखो बच्चा एक चीज यहाँ और समझना, इस मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है 5.33 m प्लस माइनस 1। ये मैं बताया था ना तुम्हें कि नहीं बताया था ना। जैसे देखो अगर कहीं y अपान x का स्क्वायर लिखा है, y अपान x का स्क्वायर लिखा है, तो बच्चा इसको हम y x का माइनस 2 भी लिख सकते। ये मैथ की चीजें हैं, मैथ कभी जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ती है। जो लोग सोचते हैं मैथ नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ लेंगे। मैथ नहीं पढ़ोगे ना तुमको नौकरी मिलेगी, ना छोकरी मिलेगी, ना छोकरा भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना, कैसे पता है? मान लो कि आपने आठ साइड से पढ़ लिया, भूगोल, ज्योग्राफी और पता नहीं का जो जो होता है सब पढ़ लिया, 11 में, 12 में, 10 में, 9 में, फिर लास्ट में आओगे तो SSC के मंच पे आओगे, टेट सीटेट, हाँ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या कोई भी प्रकार की सरकारी जॉब की अगर तैयारी करोगे तो बिना मैथ के कल्याण होना है नहीं। हाँ, नाम मात्र की एक आध ऐसी परीक्षा है जिसमें तुम बिना मैथ के जा सकते हो, लेकिन वो भी इतनी आसान नहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं से अगल बगल से दाएं बाएं से तुम्हें मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैथ से पीछा नहीं छुड़ाना कभी, ये जिंदगी का अहम हिस्सा है। नित्यानंद, मैंने आपके स्कूल के ग्रुप में शेयर किया है, मॉडरेट प्लीज। बहुत बहुत थैंक यू बेटा, इसके लिए बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए, अभी तुम इतना नहीं कर पाए। वहाँ थोड़ा दिन रुको, तुम्हें देखेंगे परखेंगे तब बनाएंगे मॉडरेटर। ऐसे नहीं, ऐसे सबको मॉडरेटर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से बोल दो यस यस यस। आज बच्चे जग गए हैं सब, 50+ हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। रोज ना मैथ की क्लास में तो आ जाते हैं, ये मैथ की क्लास में आ जाते हैं शाम को, लेकिन सुबह रे सोते रहते हैं। मम्मी गरियाती रहती बगल से, अरे उठ जा रे मलिक छवा, उठ जा उठ जा, अरे मम्मी उठ उठ रहे, इधर से ऐंठ के उधर को चले गए, और फिर कहीं पापा आके एक पड़ाका लगा दिया, हराम खोर सो रहा 10 बजे तक, तब फिर तुरंत नींद भाग गई, सारी बीमारी दूर। अभी कुछ समझ में आ गया ना, औसत चाल निकाल लोगे ना, निकाल लोगे ना। तो चलो एक ठीक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, आप पढ़ रहे हैं औसत चाल और औसत वेग, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, क्लास 9th का NCERT साइंस चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है गति या मोशन। ठीक है, चलो तो अब एक छोटा सा सवाल, दूसरा एक छोटा सा दूसरा सवाल देखो और मुझे बताना। जो इस क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, और नहीं करोगे ना तो आज शाम को तुम लोग के पापा ना तुम लोग को भी पीटेंगे, याद रखना। पापा मम्मी में से जो भी पास में होंगे वही पीटेंगे, और हम शिकायत करने वाले हैं, नंबर सबका है ना मेरे पास। चलो देखो, एक कार, कहा है ये कार, अब देखो समझो ये क्या कह रहा है। एक कार 3 किलोमीटर की दूरी, 3 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करती है, तथा 7 किलोमीटर की दूरी, 7 किलोमीटर की दूरी, 7 कर देंगे तो 12, ठीक है, 7 मिनट में तय करती है। ये बताओ कि उसका जो औसत चाल है वो क्या है, जल्दी से बताना। हम देख रहे हैं सबका कमेंट, कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। सुनील पटेल, बेटा तुम बहुत दान निकाल रहा है, हाँ मंजन मंजन तो कर लिया कर कम से कम, हराम खोर नहीं तो ऐसे ऐसे मुंह फाड़ रहा है। भाई देखो, कोई एक आध बार इमोजी भेजा तो उसे हाइड ना करिए, टाइम आउट नहीं करिए, कर लेने दीजिए, बच्चे हैं अभी टाइम है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हाँ बहुत ज्यादा अति कर दें तब हटा दीजिए, ठीक। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे साथी जुड़े हैं फटाफट क्लास को लाइक करें, लाइक जरूर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बिल्कुल फ्री का मैथ और साइंस यूट्यूब पे आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। गणित में चैप्टर 9 तक मैंने पढ़ा दिया है,
आप जाके पीबीआर स्टडी 3.0 चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, चैनल नंबर 3 पे सब पढ़ा दिया गया चैप्टर 9 तक, थोड़ा सा बचा है 4-5 चैप्टर, वो भी खत्म हो जाएगा। ये दूसरी बैच में आपका चैप्टर नंबर 2 चलेगा आज से, तीसरी बैच आपकी 1 अक्टूबर से आ रही, फिर से चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे। मतलब परीक्षा के पहले तुम्हारा 4-5 बार खत्म हो जाएगा, और कोई भी अगर इतनी परसेंट बुद्धि लगा लिया ना, इतनी एक चुटकी, तो परीक्षा में टॉप कर सकते। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल फ्री में घर बैठे, कुछ लगना नहीं, हरदी लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए, वही हाल है। चलो देखो, औसत चाल निकालने के लिए कुल लगा समय से कुल तय की गई दूरी को भाग दे देते हैं। औसत चाल बराबर क्या, कुल दूरी, मतलब कुल तय की गई दूरी। मार्कर की स्याही महंगी है तो मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, बता दे रहा हूं, लिख लेना अपने से, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो बेटा देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, फाइनल में हो गया 7 × 3 = 10 किलोमीटर, टोटल टाइम लगा है 7, 5, 12 मिनट। अच्छा है, चाचा लोग सुनो, जो तुम लोग वो लिख रहे हो ना, क्या बोलते हैं आंसर ना, उसमें मात्रक जरूर लगाना, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा, जो भी तुम्हें समझ में आएगा, बिना मात्रक के आंसर गलत, आंसर गलत जो मात्रक नहीं लगा रहा है। 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, इनको भाग कर लो भैया, यहाँ पे साइड में आ जाओ, 5 में भाग करो 6 से, पहले 0 बार जाएगा, 0 बार गया तो कोई इसमें घंटा फर्क नहीं पड़ा, फिर यहाँ पे ऊपर दशमलव बढ़ा के 0 उतारोगे, 6×8 = 48, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ऊपर से 2 उतार लिया, क्यों सही जा रहा है कि नहीं, हाँ सही जा रहा है ना। ओके, यहाँ पे 0 उतार लिया, 6×3 = 18, 6×3 = 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 उतारा, 6×3 = 18, मतलब ये देखो फिर मैथ आ गई, फिर मैथ आ गई, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। अभी मैंने पढ़ाया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, थोड़ा मैथ वाले मैथ में आ जाओ साइड में, ये बताओ ये जो ऊपर जा रहा है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये दशमलव प्रसार इसका शांत है कि अशांत है। हमने बताया था कि जब किसी भी भिन्न के हर का फैक्टर करने पर उसमें 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 के अलावा और भी कुछ अगर आया, देखो सुनो, इसके फैक्टर 2 और 3 है, मैंने कहा था या तो 2 आए या 5 आए, या तो 2 और 5 दोनों आए, तब दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी ये ऐसे जाता जाएगा, कहाँ तक जाएगा भगवान जाने, नहीं पता कहाँ तक जाएगा। तो इसका फाइनल में जो आंसर आएगा हम लिख सकते हैं 0.83 के ऊपर बार, लेकिन ये बार और खोपड़ी बना के का लिखेंगे फाइनल में आंसर, देखो समझो, ये किलोमीटर में दिया था, ये मिनट में दिया था, हाँ थोड़ा अजीब टाइप का नहीं लग रहा है मुझे, ये सवाल वो गलत लग रहा है। देखो राशि जो है अलग अलग मात्रक में लग रही कि नहीं लग रही है, इसके पहले कौन सा सवाल हम लोगों ने किया था, मीटर में और सेकंड में, ये देखो किलोमीटर में है और ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है तो ये कम से कम घंटे में होनी चाहिए, राशि जो है अपने बराबर में होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में आप चेंजिंग कर सकते हो, मैं पूरा तो नहीं बदलवाऊंगा, अगर ये मिनट में है ना तो बच्चा ये मीटर में कर लो, ठीक है, इससे ये सही हो जाएगा मीटर में। बाकी हम राशियों को भी बदल सकते हैं, मिनट को घंटे में बदल लें, इसको भी घंटे में बदल लें, फिर पूरा सिस्टम बदल जाएगा, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, क्वेश्चन में कमी थी, बाकी हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 मीटर की दूरी 5 मिनट में गया, 7 मीटर की दूरी 7 मिनट में गया, तो उसकी एवरेज स्पीड हुई, औसत चाल हुई 0.83। और हाँ एक चीज़ और समझो, डीपली समझो, कि बार बार जा रहा है ना तीन, तो आपने पढ़ा होगा या अभी पढ़ाएंगे सार्थक अंक और कोटिमान, पढ़े हो कि नहीं,
सार्थक अंक, तो अगर उसकी दृष्टि से देखें तो ये तीन तीन बार बार रिपीट हो रहा है, तीन पांच से छोटा है, तो क्या करते हैं लास्ट में जीरो लगा देते हैं। तो सार्थक अंक और कोटिमान की दृष्टि से इसका जो आंसर होगा 0.80 होगा। क्या होगा? 0.80, क्योंकि आंसर तो हमें एक फाइनल आंसर चाहिए ना भाई, औसत चाल किसी को बताना है उसमें बार डंडी लगा के दिखाएंगे तो नहीं समझ पाएगा। हाँ, तो ये आपकी क्या होगी औसत चाल, इसे आप लिखोगे 0.80 मीटर पर मिनट, या फिर इसे सेकंड में बदलोगे कि नहीं, मीटर पर मिनट सही लग रहा है। देखो मैं एक चीज इसको बताने के पहले इसमें थोड़ा सा अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है क्या? लेकिन ये मैं आपको एक ट्रायल के रूप में यहाँ पे बता दिया, इसमें कमियां भी हैं सवाल में, मैं बताऊं क्या कमियां हैं, पहले सुनो, क्वेश्चन में कमियां हैं। अगर ये दूरी मीटर में दी गई है तो ये सेकंड में, जैसे देखे नहीं हो छोटे छोटे, मतलब एक प्रकार से देखा जाए आप वो देखे हो, अभी आप जो नए जनरेशन के उनको तो पता नहीं होगा, बैल देखे हो, बैल बरधा जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, खेत जोता जाता है, तो एक मान लो छोटा सा बचवा है जो भी दूध पी रहा है और एक बुढ़ा है, उन दोनों को अगर जोड़ी लगा देंगे खेत जोतने के लिए तो नहीं चलने वाले, चलेंगे, दूध पीने वाला बचवा बैठ जाएगा, वो नहीं जाएगा आगे, जो बड़ा है वो तो जाएगा, मतलब बराबर बराबर की जोड़ी बनाते हैं ना। अभी जैसे कोई चीज मान लो भारी वजन उठाना है, दो लोग को मिलकर उठाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक तुम उठाओगे तुम्हारे पापा उठा लेंगे, और तुम छोटे से पिल्ला भर के हो, पापा बड़े हैं, तो दो लोग बड़े बड़े ही उसे उठाएंगे ना। कहने का मतलब जो किसी चीज का अनुपात है वो लगभग बराबर होना चाहिए। तो वैसे जब हम कहीं भी मात्रक या इस तरह का क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन में कमियां हैं ये कि उसके लगभग बराबर वाला राशि ही अगली भी होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे समझना, ये तरीका सब कुछ सही था, मैंने सब सही बताया, बस इसमें क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, इनके मात्रक कुछ इस तरह से होंगे, मैं इधर पे बता रहा हूँ पहले समझ लो, यहाँ पे समझिए, इधर साइड में आ जाओ, ये भी जरूरी हिस्सा है इसी में का, समझना जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक, इधर समझिए। जैसे इधर साइड मैंने दे दिया क्या, दूरी, ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है, और ये समय है यानी टाइम है, जो अभी हम लोग कर रहे थे ना, तो दूरी को किसमें नापा जाता है पहले ये बताओ मुझे, दूरी बोले या लंबाई बोले, हमारे समझ से देख के मतलब होता है कि नहीं, बताओ होता है कि नहीं। जैसे मैंने कहा क्या, लेकिन हाँ अलग अलग प्रयोग करते हैं अलग अलग स्थिति में, जैसे हम कहें कि हमारी पेन की लंबाई कितना है, या फिर हम ऐसे बोलें कि हमारे पेन में इस छोर की लेके इस छोर तक की दूरी कितना है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है, मतलब एक है हुआ कि नहीं पहले ये बताओ मुझे। अगर आप ऐसे कहो आपका घर है और घर से आपका क्या है स्कूल है, मान लो पड़ोसा में स्कूल है अगले बगल में, तो कोई आपसे पूछे कि आपके घर से आपकी स्कूल की दूरी कितना है, ये तो ठीक है। अब मान लो कि आपके घर से आपके स्कूल तक एक टेलीफोन का तार आया है, अब आया हो या ना आया हो तुम भूल जाओ, सोचो, और कहा जाए कि उस टेलीफोन के तार की लंबाई कितना है, तो बताओ एक है होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी सभी बच्चे बोलो यस यस यस, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यानी चाहे तो इसको हम दूरी बोलें या फिर इसको हम लंबाई बोलें, बोले ना। देखो जब सड़क पे कोई गाड़ी चलती है तो हम लोग कहते हैं भैया हम 10 किलोमीटर चले आए हैं, 10 किलोमीटर चले आए ना, लेकिन जब सड़क बनाता है बनाने वाला तो वो क्या कहता है, हम इतना किलोमीटर की
मतलब सड़क बना डाले लंबाई ना, तो कुल मिला के हमारा जो बताने का मतलब है वो समझना। हाँ, अगर गोले में घुमा दो तो दूरी लंबाई कैसे होगी? देखो इनको समझाओ पहले बच्चा, अगर गोले में घुमा दोगे, मैं तुम्हें वो भी बता रहा हूं, लंबाई का मतलब ये थोड़ी कि सीधा सीधा ही रहेगा। हाँ, लंबाई का मतलब ये थोड़ी सीधा सीधा ही रहेगा। जैसे देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक मिनट मैं बता रहा हूं, कुछ चीजें अपवाद हो सकती हैं, बाकी आप कह सकते हो। जैसे मान लो ये कह रहे हैं कि गोले में घुमा दो। अब इसमें मान लो डिब्बी है ना, ये इसमें कोई एक पॉइंट ले लो, ये मैंने फीता भी ले लिया नापने वाला। अब अगर इस पॉइंट पे किसी पे इस फीते को रखो और इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे इसको घुमाओ, यहाँ पर ला के देखो ये कितना हो रहा है। आप लोगों को तो नहीं दिख रहा होगा, रुको मैं बता रहा हूँ, ये लगभग 6 सेंटीमीटर में जा रहा है। किस में जा रहा है? एक मिनट थोड़ा मुझे देखने दो, थोड़ा सा रुक जाओ भाई। 6 सेंटीमीटर जा रहा है। हाँ, तो मतलब वही हुआ ना। अब 6 सेंटीमीटर क्या है? अब इसको तुम सीधा भी तो कर सकते हो ना, आपके कि नहीं कर सकते हो, सीधा कर सकते हो कि नहीं? तो मतलब वही हुआ जो मैंने बताया। मान लो कि हमने कोई गोला, जो इन्होंने जैसे कहा चौराहा है या कोई बड़ी वस्तु है जो गोली गोली है, उसको हम नाप सकते हैं। नापने के बाद तो हम उसको सीधा करके निकाल सकते हैं कि नहीं? अरे जैसे वृत्त पढ़े हो कि नहीं, सर्कल, सर्कल में भी पढ़ाया जाता है ना, तो थोड़ा सा बुद्धि अलग से भी लगानी पड़ती है। थोड़ा सा बुद्धि जो है वो अलग से लगानी पड़ती है, उसे सीधा करना पड़ता है। वो भले गोला में है, तुमने उसे नापा गोला में ही, लेकिन दिमाग सीधा करके लगाओगे, ठीक है? तो हम बताने वाले क्या थे उसको देखो। देखिए, दूरी नापने के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मात्रक होते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, धरती से सूर्य की दूरी आप जानते हो कितना होगी? पता है? हाँ, ये बहुत बड़ी दूरियां, मतलब बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे घर में, हमारे कमरे से हमारे बाथरूम की दूरी छोटी सी है, थोड़ी दूरी पे है। हम जहां खड़े हैं यहां से हमारे कैमरे की दूरी थोड़ी सी है। तो थोड़ा सा समझना, डीपली मैं जो समझाना चाहता हूं, जैसे कोई भी वस्तु को काटने की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तुएं होती है ना, औजार जिसे बोलते हैं, होता है ना। हाँ, आपने देखा होगा, अगर सब्जी काटना है, सब्जी, खीरा, ककड़ी, कद्दू, कोड़ा, लौकी, तरोई, तो लोग चाकू से काटते हैं। छोटी सी चाकू होती है, इतनी बड़ी की, उससे भी कट जाता है। लेकिन अगर मान लो लकड़ी काटना है, फर्नीचर बन रहा है, भाई काटने का सामान दोनों है। देखो चाकू छोटा सा जो, वो भी काटने का सामान है, फर्नीचर बन रहा है। हाँ, लकड़ी काटनी है, सूखी सी, मोटी सी, बड़ी सी, तो बताओ क्या वो चाकू से कटेगी? भाई काटने की वस्तु लकड़ी भी है, उसको भी काटा ही जा रहा है, सब्जी को भी काटा ही जा रहा है। या फिर मान लो कोई छोटी सी पेन काटना है किसी काम के लिए, या कोई पतली सी लकड़ी काटना है, तो उसको चाकू से भी काट सकते हैं। यानी जरूरत के अकॉर्डिंग, अभी जैसे मैंने जोड़ी बताया ना, बैल वाली लगाते हैं, उस तरह से प्रयोग करते हैं। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, सबसे बड़ा जो दूरी नापने का मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है सबसे बड़ा दूरी नापने का मात्रक, प्रकाश वर्ष। तो अभी लेकिन आपको उसको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हम यही बताने वाले हैं। जैसे अगर दूरी या लंबाई अगर हम बात करें, आपको कहीं निकालना है तो किलोमीटर में है, तो किलोमीटर के साथ समय हमेशा घंटे में यूज किया जाता है। ये चीज मैं बताने वाला हूँ, ये इसके समतुल्य है, ठीक है? किलोमीटर में है तो घंटे में, अगर दूरी मीटर में है तो ये सेकंड में, ठीक है? समझ रहे हो ना? और ये मीटर के अलावा किस में जाएगा? ये मीटर के अलावा सेंटीमीटर में जाएगा, तो ये मिली सेकंड में हो जाएगा। मतलब मिली सेकंड, नैनो सेकंड,
पढ़े हो कि नहीं ये सब? एक नैनो सेकंड बराबर कितना बताइए? एक नैनो सेकंड एक सेकंड का कौन सा भाग है? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अभी नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, पढ़ाया जाएगा फिर से। हाँ समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? तो ये सब आपको थोड़ा सा पता तो है लेकिन आप कभी सोचते नहीं हो। आपको मालूम है लेकिन आप कभी सोचते नहीं हो। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल समझ लो। रस्सी देखे हो ना, रस्सी अगर मान लीजिए कि हमें कोई चीज बांधना है, बांधना का मतलब हमें कुछ नहीं बांधना, हमें अपनी कलम बांधना है। ये चार पांच है अलग अलग, ये गिर जा रही, हमें इसको क्या करना है किसी रस्सी से बांधना जिससे सब एक में रुकी रहे। तो हम इसको रबड़ से भी बांध सकते हैं, छोटी सी पतली सी डोरी धागा से भी बांध सकते हैं। लेकिन समझना, अगर हमें गाय बांधना है, गैया जो दूध देती है, अब बताओ उसको धागा से बांध देंगे रबड़ से तो रुकेगी? वैसे ऐसे करके भाग जाएगी, समझ रहे हो? तो यानी जरूरत कैसे है उसी अकॉर्डिंग उसका प्रयोग करते हैं। जैसे अभी एक छोटा सा और भी एग्जाम्पल बताएं, अगर मान लो कि हमें पानी पीना है, पानी हमें थोड़ा सा रखना है अकेले के लिए, तो हम एक बॉटल में इसमें भी भर सकते हैं। हाँ इसमें भी भर कर रख सकते हैं, अकेले के लिए हमें बहुत है, ठीक है। लेकिन आप अगर ये सोचो कि भैया कोई पार्टी होने वाली है और सब दोस्त मेहमान आ रहे हैं, हाँ मान लो कि 150 लोग भी आ रहे हैं, अब हमें उनके लिए पानी रखना है तो किस में रखेंगे? छोटका बोतलों में एक बोतल रखेंगे तो हो जाएगा? बेइज्जती हो जाएगी, कहेंगे ससुरा ऐसा जगह गए पानी भी पीने, समझ रहे हो ना? तो उस समय पानी रखने के लिए क्या होगा, एक बड़ा सा टैंक चाहिए, टंकी चाहिए, कुछ चाहिए ना, एक बोतल में नहीं होने वाला है। तो बराबर काम मतलब हर जगह वही हो रहा है, पानी इसमें भी रखा जा रहा है उसमें भी रखा जा रहा है, लेकिन जरूरत के अकॉर्डिंग उसका जो इसमें आप रख रहे हो उसे बढ़ा घटा रहे हो। तो वही चीज मैं यहाँ पर व्यवहारिक रूप में तुम्हें बताना चाहता हूँ जो मैंने इतना बड़ा बताया, समझ में आया ना? ये इतना लंबा मैंने क्यों बताया घुमा फिरा करके, ये सारी बातें हम 10 मिनट में बता सकते थे। ये जो क्लास 45 मिनट की हो गई ये 15 मिनट में हो सकती थी, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको समझ में आए व्यवहारिक रूप में, आपके अगल बगल गाय भैंस बर्दा गोरू के एग्जाम्पल दे के समझाते इसलिए हैं कि तुम्हें समझ में आए वो चीजें। ये साइंस है, साइंस प्रैक्टिकल कर सकते हो अपने अगल बगल। मैंने जितने चीजें बताया तुम सारा चीज प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन इसमें से कुछ चीजें खतरनाक भी हो सकती हैं, इसलिए सारा प्रैक्टिकल नहीं करना। हाँ समझ रहे हो ना? अभी जिंदगी और बहुत बड़ी पड़ी है, थोड़ा आगे बढ़ोगे धीरे धीरे तो प्रैक्टिकल हो जाएगा हर चीज का, हो जाएगा जो मैंने बताया। तो जितने भी हमारे प्यारे प्यारे साथी जुड़े हैं वो इस क्लास को लाइक जरूर करें। यार देखो मैं एक ही चीज पे इतना झेल गया, आगे दूसरा एक ही बेग वाला भी करना था, उसको भी आज ही खत्म करना है। एक मिनट रुको थोड़ा सा, तो एवरेज स्पीड हो गया, अब आ जाओ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि खत्म तो आज ही होना चाहिए नहीं तो ऐसे मजा नहीं आने वाला है। एवरेज बेग में आ जाओ, एवरेज बेग औसत, सॉरी एवरेज वेलोसिटी बोलोगे उसे, आधा हिंदी आधा इंग्लिश नहीं। चलो कहाँ गई भाई पेन, ये नापने तौलने के चक्कर में टाइम ज्यादा चला गया इसमें। लिखिए अगली हेडिंग, लिखिए अगला क्या लिखोगे? औसत बेग, एवरेज वेलोसिटी लिख लीजिए इंग्लिश वाले। हाँ क्या लिखोगे? एवरेज वेलोसिटी, इंग्लिश ऐसे लिखी जाती है गोच पोंच के। चलो ठीक है, अब देखो सुनना क्या मैं कहना चाहता हूँ, सुनो इधर साइड में। अरे वेलोसिटी लिखना है यार, लिख तो लेवे करोगे, चलो छोड़ो। अब सुनना पेज नंबर 112, जो बच्चे किताब लिए एनसीईआरटी पेज नंबर 112 खोल लें, पेज नंबर 112। अवनीश यादव गुड मॉर्निंग, ममता देवी एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, पवन राज जी आ गए हो ना तुम, चलो ठीक है। कह रहा किसी वस्तु की गति की दर भी अधिक व्यापक हो सकती है, किताब पढ़ो, अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। किसी वस्तु की गति की जो दर है वो और अधिक व्यापक हो सकती है
यदि उसकी गति के साथ साथ हम उसके दिशा का भी मतलब दिशा को भी व्यक्त करें, मतलब डायरेक्शन को, कि वो वस्तु किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे मैंने कार का एग्जांपल बताया, तो वो कार किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है हम ये भी लें। अब सुनना, उसे वेग कहा जाता है। कुछ समझ में आया कि नहीं? जैसे मैंने कहा कि जो कार है वो जा रही है, जा रही जा रही, एक कार 10 मिनट में 5 किलोमीटर गई, 10 मिनट में 5 किलोमीटर गई, फिर वही कार 15 मिनट में 18 किलोमीटर चली गई, तो औसत चाल क्या होगी आप निकाल लोगे। लेकिन अगर मैंने कहा कि एक जो कार है वो 5 मिनट में 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गई, किधर से गई ये भी तो पता होना चाहिए तुम्हें उत्तर दिशा में, मान लो दक्षिण से उत्तर दिशा में गई, और फिर अगले टाइम में जो गई अगले स्टेप में वो उत्तर से पश्चिम दिशा में गई, तो ये क्या हुआ? वेग हुआ। ये क्या हुआ? वेलोसिटी हुआ। अब इसमें आगे कहानी समझो, पहले पढ़ते चलें फिर समझना, ठीक है? आगे सुनो पहले। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, मतलब इन्हीं के ये चचा लोग हैं, ये जो औसत वेग हैं, सॉरी औसत इसमें हटा दो, ये जो वेग है ना, ये जो वेग है ना भैया, ये इन्हीं चाल के ही क्या है, इन्हीं के चचा लोग हैं, ये अलग से नहीं, इन्हीं की फैमिली है, लेकिन ये थोड़ा सा अपडेट हो गए, मॉडर्न जमाने के हो गए, ये पुराने ख्यालों के थे, ये नए ख्याल के हैं, बस इतना अंतर है। आगे सुनो, आगे सुनो ध्यान से, और हाँ क्लास को लाइक जरूर करना, प्लीज लाइक जरूर करना यार, हाँ करोगे ना, वैसे भी कहना नहीं पड़ता, हमारे बच्चे सबसे अच्छे हैं। चलो आगे। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, या वस्तु की चाल, गति की दिशा, या दोनों के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी कई एग्जाम्पल दिए हैं तुम्हें पहले भी, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, तो हम इसके गति के दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है, किताब में सब लिखा, अगर तुम पढ़ो तब, इसकी जो गणना है वो औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा, सॉरी अंक गणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आया ना? अब इसमें कहो तो फिर मैं वो भी बताऊं, क्वेश्चन दूं आगे। आगे क्वेश्चन करवाएं कि न्यूमेरिकल कर करवाएं? हाँ कर लोगे, इसको पढ़ के आना, इसका न्यूमेरिकल कल करवा देंगे, ठीक है? आप औसत वेग समझ गए, इसमें फार्मूला लिख लो, चाहे तो लिखो, प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग अपान टू करोगे, लिख लो फार्मूला, औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर एवरेज वेलोसिटी इक्वल सूत्र लिख लीजिए, इसके कुछ क्वेश्चन कल करवा देंगे, लिख लो, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग, ऐसे ही तो लिखेंगे ना हिंदी, प्रारंभिक वेग लिखो फटाफट, ये यार बहुत अजीब टाइप का लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख लो, प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग अपान टू, ये होता है, ठीक है? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ करके दो से भाग दे देते हैं, यही होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया ना? अच्छा इसमें एक चीज और भी बताना है, इसमें एक चीज और भी बताना है, मैं वो भी बता देता हूँ, बस थोड़ा सा सुन लो तुम, बस हल्का सा सुन लो, थोड़ा सा सुन लो बाबू, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हाँ
सभी पहले तो क्लास को लाइक करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। पहले एक एक बच्चा लाइक करेगा तभी बताऊंगा, नहीं तो ना बताऊंगा। मैं बंद कर दूंगा, टाइम बहुत हो गया, एक घंटा हो गया, बिना कुछ खाए पिए चिल्ला रहा हूँ सुबह सुबह उठ के, क्या मतलब है। पेट में चूहे नहीं बैल दौड़ रहे हैं इतना तेज से, समझ रहे हो। हो गया हो गया ना, हुआ अभी अभी कुछ लोग सोच रहे हैं करें कि ना करें, करें कि ना करें, रहने दें। अवंतिका गुड मॉर्निंग, अभी अभी टाइम मिला है, क्लास खत्म हो गई तो तब तो हो गया। और एक ही बार करना है, जो एक बार करा था कभी ना दोबारा नहीं करेगा। मैं देख रहा हूँ कुछ दोबारा कर रहे हैं, दोबारा करोगे तो हट जाएगा वो, दोबारा करोगे तो वो हट जाएगा, एक ही बार करना है। और जो बच्चे क्लास को नहीं देख पाए लाइव, अभी जैसे क्लास खत्म हो जाएगी वॉच रिप्ले का ऑप्शन आएगा, आप दोबारा से देख लेना। ये क्लास यूट्यूब पे पड़ी रहती है, ऐसा नहीं खत्म हो गई, नहीं 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 टाइम खत्म हुआ है लाइव का बस, बाकी इसे तुम कभी भी देख सकते हो। यूट्यूब पे तो रहेगा वीडियो ना, हमारी सारी एक्टिंग रहेगी इस पे, बाद में देखना, कल परसों में देखना। चलो, इसमें एक चीज तुम्हें बताना था, समान गति, समान गति और असमान गति, ये गति वाला था थोड़ा सा पीछे का था, कल इसको बताना था, कल वाले में छूट गया था। देखो बच्चा, गति दो प्रकार की होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक समान गति से हमेशा चलती रहती हैं, एक समान गति से चलती रहती हैं और इसीलिए वो अपना प्रॉपर वर्क कर पाती है, और कुछ होती हैं वो असमान गति से चलती हैं। मैं बताता हूँ, देखो समान गति का एग्जांपल, जैसे आपके घर में घड़ी है कि नहीं, घड़ी है, अरे दीवार घड़ी, मोबाइल में जो पहुंचते रहते वो नहीं, उसमें देखो सुइया कैसे चलती है, ऐसे टिक 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 बराबर हर बार जाती है, ध्यान दो कभी, ऐसा नहीं कभी टिक कितना बोली तो कभी टिक करके इतना चली गई, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। मतलब गाड़ी की जो सुई है वो उतना ही बार किट किट करते हुए चलती है, ऐसा नहीं होता कभी कि इतना इतना चल रही फिर अचानक कोई नहीं देख रहा चलो इतना चले गए, हाँ कोई नहीं देख रहा चलो इतना तेज से चले गए, मतलब एक घंटा का टाइम आधा घंटा में बच गया तो कहेंगे घड़ी वह खराब हो गई, फेंक दो। घड़ी की चाल क्या है, समान गति है। आपके घर में पंखा लगा होगा, अगर वोल्टेज बिजली और पंखा सब सही है, आप देखो वो भी एक समान गति से ही चलता है, ऐसा नहीं कि आप बैठे हो तो अच्छा खासा चल रहा है, तुम निकल के कमरे से बाहर भाग गए तो फिर कहे अब तो चले गए यार कहाँ चले फालतू, चलो धीरे धीरे चलते हैं, होता है ना। तो एक प्रकार से ये भी समान गति में लिया जा सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे इंजन होते हैं, मशीन होते हैं, मोटर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो किसी भी काम या पर्पज में लगे हैं, वो भी क्या होते हैं, समान गति से चलते हैं। समान गति का और कोई एग्जांपल बताओ आप लोग, समान गति का और कोई एग्जांपल बताओ। घड़ी का पेंडुलम, पेंडुलम जानते हो कि नहीं, अरे वो पेंडुलम तो सब लोग नहीं देखे होंगे, पहले क्या अभी आती घड़ी आती है जिसमें ऊपर सुई तो चलती ही है, थोड़ी महंगी मिलती है, सबके घर में नहीं मिलेगी, उसमें नीचे एक लटका रहता मोटा सा, वो ऐसे एक बार इधर जाता है इधर आता है इधर जाता है इधर आता है इधर जाता है इधर आता है, कौन कौन देखा बताओ, देखे हो कि नहीं। वो भी क्या करता है, एक समान गति करता है, मतलब एक ही स्पीड से चलता है। और हाँ, इसे सरल रेखीय गति भी कहते हैं क्योंकि वो एक सीधे रेखा में चलता है, लेकिन घड़ी वाली सरल रेखीय नहीं है क्योंकि ये घूमती है। हाँ? और हाँ सुनो, असमान गति क्या होती है, असमान गति का मतलब जैसे कोई कार हो गई और वो जा रही है किसी एक शहर से दूसरे शहर में जा रही है, तो कार की जो गति है वो असमान गति है। असमान गति इसलिए है कि वो कार जो लेके बंदा या बंदी जा रही है वो एक समान गति से जा ही नहीं सकता है, हमारे इंडिया में तो नहीं जा सकता है, रास्ते में कहीं कुछ नया कुकुरे आएगा, भाई कुत्ता आ गया तो क्या करेगा, धीमा तो करेगा ही रास्ते में, ऐसी हमारे देश की महान महान सड़कें हैं, इतना भारी सा गड्ढा आ गया तो क्या करेगा, आराम से किनारे निकालेगा,
हाँ, क्योंकि सड़कों पे गड्ढा क्या, तालाब उगे हुए हैं बहुत जगह, बहुत जगह अच्छी भी है। तो कार की गति क्या हो जाएगी, असमान गति हो जाएगी। अगर मान लो ट्रैफिक है, जाम लगा है, तो जाम में जो गाड़ियां चलती हैं उनकी गति असमान होती है भाई। कभी आगे जाम खिसका थोड़ा, आदमी चलो बढ़ा लिया, फिर रुक गया, फिर बढ़ा लिया, फिर रुक गया, ये गति क्या है, असमान गति है। तो कोई भी वस्तु अगर निरंतर उसी स्पीड पे चलती रहे तो उसको समान गति कहते हैं। अगर वो एक बार तेज जा रही, एक बार धीमा जा रही, फिर कुछ और कर रही, फिर कुछ और कर रही, तो वो असमान गति होती है। उदाहरण मैंने बता दिया, एक एक उदाहरण। जैसे ट्रैफिक में फंसी हुई गाड़ियों की गति असमान गति होती है, पार्क में टहलते हुए इंसान की गति भी क्या होगी, एक प्रकार से असमान गति होगी, कभी तेज टहलेगा कभी धीमा टहलेगा। समान गति में जैसे घड़ी की सुइयां हो गई, घड़ी का पेंडुलम हो गया, आपके घर का फैन हो गया, अगर सारी कंडीशन ठीक है तो। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं।